नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हिंदू नववर्ष महोत्सव के समापन में आए उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 से अधिक सीट जीतकर बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह ने अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हाथ की वजह के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। हम लोग विकास पर विश्वास करते हैं और विकास के आधार पर भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे भारत के अंदर 51 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब लाभार्थियों को आवास मिल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भारत के अंदर पहला राज्य बनने जा रहा है जो अकेले 8,85,000 मकान बना करके हम लोग 10 महीने की सरकार में इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त किया है। 2019 में जितनी सीटें हम लोगों ने 2014 में जीता है, इससे ज्यादा सीटें 2019 में जीतेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनाएगी। ये हिंदू नववर्ष महोत्सव इसलिए कि परंपराएं हम भूलते जा रहे थे। हम हिंदू नववर्ष महोत्सव के नाम पे चकित होते थे। इसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, योग का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों के समक्ष हुआ, अपनी माटी के कार्यक्रम हुए, बिरहा के कार्यक्रम हुए, बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हुई, बहुत सारे यहाँ प्रदर्शनियां भी लगी, एक उत्सव का वातावरण बने, इसीलिए इसको हिंदू नववर्ष महोत्सव का कार्यक्रम किया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।